दीदी महाराज जी बताते हैं कि जो राधा रानी है वही अद्वितीय तत्व है, और इसीलिए श्री कृष्ण भी अपने आप को दास मानते राधा रानी का। तो फिर राधा रानी भी लेकिन श्री कृष्ण का दास मानती है अपने को, तो वो किस लिए मानती है? क्योंकि राधा रानी तो मतलब वो तो स्वयं शक्ति, मतलब राधा श्री कृष्ण श्री राधा को अपनी आराध्या मानते हैं और श्री राधा रानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती है, इसीलिए उनका नाम राधा है। दो अर्थ होते हैं राधा के, राध्यते इति राधा, आराध्यते इति राधा। राध्यते मतलब जो आराधना करें और जिसकी आराधना की जाए, क्योंकि राधा और कृष्ण वस्तुतः दो हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। ये यम राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर देहे नैका क्रीडनार्थम द्विधाभूत। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति प्रेम की है। प्रेम की ही जो सबसे बड़ी स्थिति है उसका नाम है मादन। उसी मादन प्रेम को भगवान श्री कृष्ण ने साकार रूप दे दिया। ये प्रेम शक्ति श्री कृष्ण की ही है, कहीं और से नहीं आई है, ये शक्ति श्री कृष्ण की है। और द्वापर युग में जब यहाँ पर 5,000 वर्ष पहले भगवान ने अवतार दिया, तो अपनी शक्ति को, उसी मादन शक्ति को जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, उसको उन्होंने साकार रूप दे दिया, अपने से पृथक कर दिया। कीर्णार्थम दिदाभूत, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि वो लीला कर सके। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि प्रेम करते कैसे हैं, कहते किसे हैं। जब श्री राधा ने श्री कृष्ण को प्रेम किया जिसमें कामना की गंध भी नहीं थी, तो लोगों को पता चला कि प्रेम की परिभाषा क्या है। जब श्री कृष्ण ने श्री राधा की आराधना की, तब सबको पता चला कि सबसे ऊंची चीज प्रेम है। और बिना प्रेम के, जो कहा जाता है ना, बिना राधा के कृष्ण की आराधना आराधना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि बिना प्रेम के आराधना का कोई मतलब नहीं है। जो उपासना है भगवान की, आराधना है, वो प्रेम युक्त तो होनी चाहिए और उस प्रेम में निष्कामता होनी चाहिए। अगर तुमने कुछ भी मांग लिया, जैसे ज्यादातर भक्त लोग तो भगवान से कहते हैं ना, भवसागर से उतार दो हमें, पार लगा दो हमें, मुक्ति दे दो हमें, हमारा कल्याण कर दो, तो जो आप मांगेंगे उतना ही आपको मिलेगा। ये प्रेम जिसमें इतना रस है, ये जितना ऊंचा ऊंची अवस्थाएं हैं प्रेम की, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावेश महाभाव, हर स्तर में अधिक से अधिक प्रेम का रस श्री कृष्ण के साथ, भगवान के साथ इंटीमेसी, और उनके और श्री राधा के मध्य में जो प्रेम की परम अंतरंग लीलाएं होती हैं, उनका दर्शन, उनका आनंद, ये सब प्राप्त करने से हम वंचित रह जाएंगे अगर हृदय में प्रेम नहीं होगा, वो भी परम निष्काम प्रेम। तो श्री राधा और कृष्ण दो तो है ही नहीं, एक ही हैं। ये लीला करते हैं, इनकी लीला का लक्ष्य केवल और केवल एक है, वह है जीव कल्याण। कुछ ऐसे जीव हैं जो योगा रुक्ष हैं, यानी जो अभी भक्ति कर रहे हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और कुछ योगा रूढ़ है, यानी उनकी भक्ति कंप्लीट हो गई, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो दोनों प्रकार की लीलाएं भगवान की होती हैं, कुछ साधकों के लिए, उच्च कोटि के साधकों के लिए, और कुछ उनके लिए जिनको भगवत प्राप्ति, जो रसिक संत हैं, जो रसपान ऑलरेडी कर रहे हैं भगवान के प्रेम का, तो उनको भी तो रस देना है, उनका भी रस तो बढ़ाना है, क्योंकि प्रेम का रस तो प्रतिक्षण वर्धमान है, अनंत मात्रा में बढ़ता ही रहता है, वो उनको देना है। इसीलिए श्री राधा और कृष्ण दोनों लीलाएं करते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनके विषय में
कुछ भी प्रश्न करना कुछ भी मतलब नहीं रखता, वो तो दोनों एक ही केवल लीला करते हैं, नाटक जिसको आप कह सकते हैं, अभिनय।